डियर स्टूडेंट, चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर लेक्चर नंबर फर्स्ट किए थे और उसके अंदर समझे थे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या थे। फिर हम लोग पढ़े थे कि स्ट्रेन क्या है और आज बारी है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की। यानी पिछले क्लास में हम लोग यही समझे थे कि जब किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली हम लोड अप्लाई करते हैं तो उसका लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस में क्या होता है, चेंजिंग आते हैं। तो सिंपल डिफिनेशन आया था, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन को हम लोग स्ट्रेन बोले थे और स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं था। जो भी स्टूडेंट लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखे हैं वो लेक्चर नंबर फर्स्ट देखकर नोट्स बना के आइए, लेक्चर नंबर सेकेंड को देखिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमको आज पढ़ना है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यानी स्ट्रेन के प्रकार, यानी स्ट्रेन बोले तो विकृति। पिछले क्लास में हम लोग डिटेल एनालिसिस किए थे कि स्ट्रेन क्या था, कि जैसे ये स्ट्रक्चर है इस पर लोड अप्लाई करेंगे तो इसका लेंथ कुछ ना कुछ बढ़ेगा। तो जो लेंथ चेंज किया था उसमें उसके ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर रहे थे तो हमको स्ट्रेन मिल रहा था। आज उसमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो हम लोग बेसिकली तीन प्रकार के स्ट्रेन पढ़ते हैं। एक होता है लीनियर स्ट्रेन, जिसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। इसमें हम लोग दो प्रकार पढ़ेंगे, एक टेंसाइल पढ़ेंगे और एक कंप्रेसिव पढ़ेंगे। दूसरी का है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तीसरी का है शेयर स्ट्रेन। यानी ये तीन प्रकार के स्ट्रेन होते हैं। कौन कौन से? लीनियर स्ट्रेन, जिसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं, जिसके अंदर दो प्रकार के, एक टेंसाइल स्ट्रेन और एक कंप्रेसिव स्ट्रेन। दूसरी का प्रकार वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और तीसरी का प्रकार शेयर स्ट्रेन। अब एक एक करके हम लोग डिटेल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले लीनियर स्ट्रेन होता क्या है, हम एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे। मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस पर हम लोड लगा रहे हैं P, इधर से लोड लगाए P। कुछ देर के बाद आप ये देखिएगा इसका डायमेंशन चेंज कर गया। डायमेंशन चेंज किया तो लेंथ बढ़ गया, लेंथ बढ़ गया और डायमीटर घट गया। इसके अंदर आपको एक और स्ट्रेन हम पढ़ाएंगे, लेटरल स्ट्रेन। लिखते चलेंगे, चार गो स्ट्रेन आपको पढ़ा दिया जाएगा, लीनियर स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन। अब इसको समझते हैं कि पहले इसका लेंथ कुछ और था, लेंथ बढ़ गया, डायमीटर घट गया, तो जिधर लोड लगाए उस दिशा में क्या चेंज किया? एल था, एल प्लस डेल्टा एल हो गया। जिधर लोड लगाए उधर क्या चेंज किया? तो आपका आंसर आएगा लेंथ चेंज किया। क्या चेंज किया बाबू? लेंथ चेंज किया। लोड लगाए थे उसके परपेंडिकुलर दिशा में, यानी जो लोड लगाए थे उसके लंबवत दिशा में क्या चेंज हुआ? तो डायमीटर चेंज हुआ। क्या हुआ? डायमीटर चेंज हुआ। तो लीनियर स्ट्रेन यही कहता है कि जिधर लोड लगाएंगे उधर में जो चेंजिंग होगा, जिधर लोड लगाएंगे उसी दिशा में जो चेंजिंग होगा उसमें उसी दिशा के ओरिजिनल डायमेंशन से डिवीजन करेंगे
तो इसको क्या बोलते हैं, लिनियर स्ट्रेन। यानी सिंपल डिफिनेशन, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। यानी जिस दिशा में लोड लगाएंगे उस दिशा के ही केवल चेंज को कंसिडर करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, लिनियर स्ट्रेन। जैसे लिनियर स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखना हो तो डेल्टा एल बटा एल लिखेंगे कि डेल्टा डी बटा डी लिखेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा कि सर डेल्टा डी तो परपेंडिकुलर दिशा में है, जिधर लोड लगा है उधर में तो क्या हुआ, डेल्टा एल हुआ ना। तो लिनियर स्ट्रेन का मतलब डेल्टा एल बटा एल। अब इसी का उल्टा होता है लेटरल। क्या होता है लेटरल, जिधर लोड लगाएंगे उधर नहीं देखेंगे, जिधर लोड लगाएंगे उसके परपेंडिकुलर दिशा में देखेंगे। तो चलिए एक एक करके डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले लिनियर स्ट्रेन लिख डाल देंगे, लिनियर स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इन द सेम डायरेक्शन। अब डायमेंशन के जगह पर लेंथ लिख सकते हो, लेकिन लेंथ क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्यों लेंथ में थोड़ी चेंज होगा, विड्थ भी हो सकता है, डायमीटर भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोग केवल लेंथ लिख देते हैं, लेंथ लिखना गलत नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग से ये होता है कि लेंथ लिखिएगा तो केवल लेंथ में चेंजिंग नहीं ना होता है, डायमीटर में भी चेंजिंग होगा, विड्थ में भी चेंजिंग होगा, थिकनेस में भी चेंजिंग होगा, बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं। तो हम डायमेंशन में ऐसा कर देंगे, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड इज कॉल्ड लिनियर स्ट्रेन। बोला कि द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन का मतलब उसके विमान में चेंज टू द ओरिजिनल डायमेंशन इन द सेम डायरेक्शन। याद करना है लिनियर में क्या याद करना है, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड इज कॉल्ड क्या, लिनियर स्ट्रेन। कोई दिक्कत है, लिनियर स्ट्रेन को कितने भाग में बांटा गया है, दो भाग में, एक कौन सा, टेंसाइल स्ट्रेन और एक क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेन। एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव। इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं, ये मेंबर था, लोड लगाएंगे, घिंचने वाला लोड लगाएंगे, दाबने वाला भी लोड लगा सकते हैं, इसका लेंथ L था, तो L प्लस डेल्टा L हो गया, जिधर बढ़ेगा वहीं लेना है, परपेंडिकुलर प्लस दिशा नहीं देना है। या दूसरा देखो, कंप्रेसिव लोड लगाओ, दबाओ, दबाएंगे तो क्या होगा, यही कहानी होने वाला है ना, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, पहले से एल था अब क्या हो गया, एल माइनस डेल्टा एल। तो ये वाला कहलाएगा टेंसाइल, ये वाला क्या कहलाएगा, टेंसाइल, और ये वाला क्या कहलाएगा, कंप्रेसिव। बस यही अंतर है, लेकिन लेना किधर है, हमेशा अप्लाइड के दिशा में। तो फिर टेंसाइल का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। और कंप्रेसिव का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ डिक्रीज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। तो चलिए हम लोग इस दोनों का डिफिनेशन पढ़ेंगे, इस डायग्राम को बनाएंगे और एरो को भी लिखेंगे, लिनियर स्ट्रेन कैन फर्दर
क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू ग्रुप। टेंसाइल स्ट्रेन, तो दूसरी का क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेन। आसान है, नोट करते। बोला क्या, कुछ नहीं। लीनियर स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। जिस दिशा में लोड अप्लाई करेंगे उस दिशा में जो चेंजिंग होगा उसको क्या बोलेंगे, लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन को दो भाग में बांटा गया, टेंसाइल और कंप्रेसिव। टेंसाइल का मतलब क्या, खींचना, तो खींचने का मतलब लेंथ बढ़ेगा। कंप्रेसिव का मतलब क्या, दबाना, दबाएंगे तो लेंथ क्या होगा, घटेगा। चलिए यहां तक नोट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। और लिखेगा टॉपिक टेंसाइल स्ट्रेन। क्या लिखेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन। सिंपल डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। इट्स कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। बोला कि द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। अब इसमें आप डाल सकते थे, अगर आप प्रकार नहीं लिखते तो आपको मेंशन करना पड़ता कि इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। लेकिन वहां पर प्रकार लेके चले तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, लेंथ का बढ़ना बटा ओरिजिनल लेंथ को क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन। देखेंगे डायग्राम में, अभी तो डायग्राम बनाए थे पहले। ये मेरे पास एक मेंबर था, लोड अप्लाई करेंगे लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। अब डायग्राम बनाने से डरिए नहीं, डायग्राम बनाते रहिए, इससे कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। पहले लेंथ एल था, लेंथ बढ़ गया एल प्लस डेल्टा एल हो गया। कितना चेंज किया, डेल्टा एल। तो लिखेंगे टेंसाइल स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल बटा एल। कुछ नहीं, सिंपल आसान डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड क्या, टेंसाइल स्ट्रेन। अब इसके बाद क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेन। क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेन आसान है बाबू, बहुत आसान होते हैं, आपको याद करना में भी दिक्कत नहीं होगा। और इससे न्यूमेरिकल टॉपिक आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेस स्ट्रेन को कंबाइन करके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेंगे, उससे बहुत ही अच्छा टॉपिक आने वाला है। इसके बाद लिखेंगे क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेन। द रेशियो ऑफ डिक्रीजिंग लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ।
इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेन। डिक्रीज इन लेंथ यानी लेंथ को घटना बटा ओरिजिनल लेंथ, यानी सिंपल डायग्राम बनाइएगा। इस पर डायग्राम बनाइए, स्ट्रक्चर था, जब लोड अप्लाई करेंगे दबाने वाला तो बढ़ जाएगा, इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले एल रहा होगा तब एल माइनस डेल्टा एल हो गया होगा, घट गया होगा, कुछ ना कुछ तो घटा ही होगा। तो अशांत हो जाएगा ना, बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या बता सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इक्वल टू माइनस डेल्टा एल बटा एल। माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि इसका लेंथ क्या हो जाएगा, घट रहा है। स्ट्रेन के यानी माइनस साइन इंडिकेट करता है कि लेंथ क्या हो रहा है, घट रहा है। ये सिंबल को इंडिकेट करता है, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है। तो हम लोग लीनियर स्ट्रेन के बारे में स्टडी कर लिए। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। किसके बारे में पढ़ेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सिंपल, द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सिंपल याद करना, मान लेते हैं कि आपके पास एक स्ट्रक्चर था, जब इस पर लोड लगेगा पी पी पी, इसका लेंथ ब्रेथ थिकनेस सब चेंज करेगा, निश्चित है कि बढ़ेगा। पहले से वॉल्यूम इसका भी रहा होगा, बढ़ गया होगा थोड़ा थोड़ा, सब ओर से बढ़ा होगा। तो सिंपल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या लिख देना है, डेल्टा भी चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम भी। देखो स्ट्रेन को जनरली इप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, इप्सिलॉन भी बराबर डेल्टा भी बटा भी लिख सकते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, इप्सिलॉन। अब हम लोग आगे चलेंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में। फिर नेक्स्ट टॉपिक मेरा, दो टॉपिक बच गया, एक शेयर स्ट्रेन और एक लेटरल स्ट्रेन। फिर उसके बाद मेरा पॉइजन रेशियो आएगा। तो इस वीडियो के बाद ये बहुत सारा वीडियो होते जा रहा है, बड़ा वीडियो होते जा रहा है। फिर हम लोग लेक्चर नंबर 3 लेके आ रहे हैं, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग शेयर स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन, उसके बाद पॉइजन रेशियो, स्ट्रेन, बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।